मानसून शुरू होते ही जबरदस्त बारिश के कारण शहर में जल जमाव तो बना ही रहता है, लेकिन भारी बारिश के कारण कई बंधे भी इसका शिकार हुए। उस पर कोड़ में खाज की तरह हो गया है। पड़ोसी देश नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़ा जाना, जिसके कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे बांधों के कटने का खतरा बना हुआ है। गोरखपुर न्यूज़ को ग्रामीणों ने सूचना दिया कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाला डोमेनगढ़ पुल जो रोहिन नदी पर बना है, जिसमें लगभग 52 गांव जुड़े हैं, बीते दिन हुए मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह से कट गए हैं और वहां की मिट्टी 5 से 10 फीट तक बह गई है और कई जगह बड़े बड़े होल हो गए हैं। मिट्टी बह जाने के कारण बंधे कई जगह से जर्जर हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोरखपुर न्यूज़ ने अपने दायित्वों को निभाते हुए मौके पर जाकर देखा तो बंधे की स्थिति ठीक नहीं दिखी। स्थानीय प्रशासन द्वारा जल्द ही जर्जर बांधों के मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया तो खतरा बढ़ने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुशवाहा ने जब ग्रामीणों से बात किया तो उन्होंने कहा, ये डोमिंगढ़ का बंदा है और पिछली बार यहाँ 4 फीट नीचे बैठ गया था, दोनों साइड में है पुल के, इस बार भी। और अभी ये कटान की स्थिति ये है कि अगर 4-5 बार बारिश हुआ तो आधा बंदा साफ हो जाएगा। कितने गांव प्रभावित होंगे? लगभग 50 से 60 विलेज प्रभावित हो जाएंगे। अभी कोई संभावना नहीं है, बारिश में कोई काम नहीं हो पाएगा। जब अब तक नहीं हुआ, पूरी गर्मी निकल गई तो बारिश में, अब बारिश होगी तो कहाँ से ट्रैक्टर चल पाएंगे इस पे। आप बताइए कहाँ निवास हैं आप? मंझरिया के। तो अभी जो स्थिति है, जो पानी जिस हिसाब से जलस्तर पानी का बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आपको? खतरा हो सकता है। कितने जगह पे है इस तरह के कटान? और एक तो कटान ही मौके पर है और एक जो बंधा अगले साल मंझरिया सिवान में फूटा था, उसका जहाँ कटा था वो तो ठीक हो गया, जहाँ डर था वो अभी वैसा ही पड़ा हुआ है। नदी की स्थिति किस तरह से है? नदी तो बड़ी तेज में है, जैसे ढल आया है इसी हिसाब से नदी बहुत तेज, 5-5 फुट खड़ी जो नदी बढ़ी थी। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। ये बंधे पे जो है कि कटान है, इस समय क्या स्थिति है? इस कटान इतनी जर्जर है कि बारिश हो गया है, रात्रि रोहिन में पानी आ गई है और इधर के लोगों की दुर्दशा है
कि लोग आपो में पड़े हैं कि प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं किया है, कि यहाँ के अधिकारी पर कागजों में कार्य कर रहे हैं लेकिन यहाँ के आने जाने वाले लोगों के बारे में बात नहीं सोच रहे हैं। अब बांधा तो इतना जर्जर हो गया है कि अगर चार दिन पानी बरसेगा तो ही दशा जो अगले साल हुई थी वही दशा फिर होगी, बांधा कट जाएगा, लोगों के आने जाने की परेशानियाँ बढ़ जाएगी। एक डोमिनेट का बांधा है, अभी क्या स्थिति इसकी? स्थिति बड़ी ख़राब है। क्या नाम है आपका? रामचल प्रसाद। मतलब कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा जगह है ये? ये है डोमिनगढ़ शहर। तो अभी इधर कहीं कटान उटान हो रहा है कि नहीं? अभी डोमिनगढ़ पुल के उस पार अभी नया बना है, 8 फीट गहरा हो गया है सर। कैसे? ये बारिश के और जलस्तर तेजी से जो बढ़ रहा है इसके वजह से कट गया है। कितने गांव जुड़े हैं स्कूल से? 52 गांव लमसम है।